Welcome back to the 100 Cases. In this video, we'll talk about the case of Daniel Latifi versus UOI. And if you want to check out this case in a descriptive manner, please check out the link in the description and make sure to subscribe to the channel because we come back to you twice every week. तो अब इस केस में क्या होता है? इस केस में जो वुमेन होती हैं, उनकी शादी एक हस्बैंड से हुई होती है और उनके हस्बैंड होते हैं एक एडवोकेट। तो उनकी शादी को जब कुछ 43 इयर्स हो जाते हैं, उसके बाद जो हस्बैंड होते हैं वो उनको डाइवोर्स दे देते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। और डाइवोर्स के बाद हस्बैंड उनको मुस्लिम लॉ के अंडर उनको मेहर दे देते हैं और इद्दत पीरियड यानी कि 90 डेज का पीरियड आफ्टर डाइवोर्स, उसके लिए वो उनको मेंटेनेंस भी दे देते हैं। लेकिन इतनी बूढ़ी औरत क्या करती, तो इसीलिए उनको और मेंटेनेंस चाहिए थी और जो कि उनके हस्बैंड प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए वो कोर्ट गई और अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी उन्होंने उनसे मेंटेनेंस ले ली जो कि थी 200 रुपीस पर मंथ। और उस मेंटेनेंस के बाद हस्बैंड ने उनको 2 मंथ्स की मेंटेनेंस दी और फिर मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। उसके बाद ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। अब कोर्ट पहुंच के जो वाइफ होती हैं उनकी साइड ये कहती है कि मुस्लिम वुमेन को तलाक दिया जा रहा है और उनको मेंटेनेंस भी नहीं दी जा रही है। और अगर ऐसा मुस्लिम लॉ को सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस नहीं दी गई, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 इस कॉन्स्टिट्यूशन के फॉलो अप नहीं होंगे और उससे इंडिया का सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि बाकी सारे रिलीजन और बाकी सारे सेक्टर ऑफ सोसाइटी को मेंटेनेंस दी जा रही है, लेकिन अगर सिर्फ मुस्लिम वुमेन्स ही बचेंगी तो यहां से इंडिया का सेक्युलरिज्म खतरे में आएगा। और वहीं जो डिफेंडेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि वो ऑलरेडी मेंटेनेंस दे चुके हैं सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट, और अगर वो दोबारा देने चाहेंगे तो फिर ये उनके लिए गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस केस को लेजिस्लेचर के पास भेज देना चाहिए क्योंकि लेजिस्लेचर ही कानून में चेंज कर सकते हैं। तो कोर्ट एंड में ये कहता है कि जो मुस्लिम वुमेन हैं उनको अगर ऑलरेडी ही सेक्शन 3 सब क्लॉज ए सब क्लॉज 1 ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट के अंडर मेंटेनेंस दी जा चुकी है, उनको तब भी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी क्योंकि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी यही कहता है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इंडिया का सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ेगा। तो इस केस में जो वुमेन थी काफी बूढ़ी, उनको मेंटेनेंस मिल गई थी। तो इस केस में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।